सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोटरी या स्टाम्प पेपर पर शादी किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। इसी के विषय में आज के इस वीडियो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप एक पति है या फिर पत्नी है तो आप दोनों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि नोटरी या स्टाम्प पेपर पर शादी करने के बाद आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप पति है तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नोटरी या स्टाम्प पेपर पर शादी करना मान्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप कोई भी धर्म से क्यों ना है, आप एक ही दिन में शादी कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है और आपका घर भी नोटिस नहीं जाएगा। यानी कि आप जो शादी गोपनीय तरीका से करना चाहते हैं, खास करके ये देखा जाता है कि जो भी कोर्ट में नोटरी पेपर पे या फिर स्टाम्प पेपर पे कोई भी गलत तरीका से शादी करते हैं वो खास करके इस बात को ध्यान में रख के शादी करते हैं कि मेरा शादी जो है गोपनीय रहे, साथ ही घर पे किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जाए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो हम लोग जान लेंगे कि एक ही दिन में आप कैसे शादी कर सकते हैं और आपका घर कोई नोटिस भी नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टाम्प पेपर या नोटरी पर शादी करना कानूनन मान्य नहीं होगा। यदि आप लोग नोटरी पेपर पे या फिर स्टाम्प पेपर पे शादी कर लेते हैं और उसको नोटराइज कर लेते हैं तो ये मान नहीं होगा। आप यहाँ पे सोचते होंगे कि यदि हम लोग स्टाम्प पेपर पे शादी करते हैं तो उसमें मेरा फ़ोटो भी ऊपर लगा रहता है और नोटराइज भी किया जाता है तो फिर ये मान्य क्यों नहीं है। आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भारत में सभी काम लीगल है जब तक कि उसके लिए कोई स्पेशल एक एक्ट न बन जाए। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि शादी के लिए जो है एक्ट बना दिया गया है 1954 और 1955। आपको यही जो है एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज करना होगा। यदि आप कोई दूसरा तरीका से मैरिज करते हैं तो वो भी मान होगा, लेकिन देख लीजिए आप कैसे मान होगा। यदि आप लोग हिंदू हैं तो आप हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं, यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं, या फिर आप चर्च में या फिर जहाँ भी हो आप अपने रिवाज से शादी करेंगे तो फिर वो मान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस है कि मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना होगा। यदि आप लोग स्टाम्प पेपर या नोटराइज पर शादी करवाते हैं तो इसका मान इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि आप लोग बाद में पासपोर्ट बनाएंगे तो वहाँ यदि मैरिज सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाएगा तो ये काम नहीं करेगा वहाँ। यदि आप लोग स्टाम्प या नोटरी पेपर पर शादी करते हैं तो इसे ऑनलाइन चेक नहीं किया जा सकता है। यदि आप लोग आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं और वहाँ जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग कोर्ट मैरिज करते हैं और उसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसे भी आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग नोटरी पेपर पर या फिर स्टाम्प पेपर पर शादी करेंगे तो फिर ये शादी रजिस्टर्ड नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका तो ये शादी वैलिड है ही नहीं तो रजिस्टर नहीं हो सकता है। यदि आप लोग शादी करते हैं कोई भी तरीके से क्यों नहीं, जैसे मैंने बता दिया पीछे कि आप कौन कौन तरीके से शादी कर सकते हैं, उसके बाद यदि आप रजिस्ट्रेशन शादी करवाते हैं उसके बाद ही जो है नोटरी पे या फिर स्टाम्प पेपर पे आप लोग का बयान लिया जाता है और आप लोग को बयान पेश करना होगा कोर्ट के अंदर, उसके बाद ही जो है आप लोग का मैरिज रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि नोटरी पेपर या स्टाम्प पेपर पर शादी करने के बाद आपको फ्यूचर में क्या परेशानी हो सकता है। तो देखिए, यदि आपकी पत्नी, यहाँ पर मैं पति और पत्नी दोनों का नुकसान के बारे में बारी बारी से बात करूँगा तो आप दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यदि आपकी पत्नी, आप एक लड़के हैं, यदि आपकी पत्नी मैके जाके बैठ जाती है और वो वहाँ से आना नहीं चाहती है, ऐसे में यदि आप सेक्शन 9 का केस फाइल करेंगे यानी वैवाहिक जीवन का पुनर्स्थापना, तो फिर आपका नोटिस का जवाब में वो ये जवाब देगी कि मेरा शादी इसके साथ हुआ ही नहीं था। यदि आपके बाल बच्चे हैं, कोर्ट में कहेंगे कि इसका जो है DNA टेस्ट करवाया जाए, ये मेरा ही बच्चा है, तो वहाँ पे पत्नी ये भी कह सकती है कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे जिसके कारण ये बच्चे पैदा हुआ है, तो उस बच्चे का भी आपका प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाएगा और आपका वो पत्नी भी नहीं रहा, यानी कि आप लोग एक साथ रह भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अब चलिए हम लोग पत्नी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती घर से मार के या भगा के निकाल देती है, जिसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी पत्नी करती है। यदि यहाँ आप एक पत्नी है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे तो ये केस मान नहीं होगा क्योंकि आप लोग का शादी ही वैलिड तरीके से नहीं किया गया है। तो आपने देख लिए कि वैलिड तरीके से शादी नहीं करने पर कितना बड़ा आप लोग को नुकसान हो सकता है। यदि अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो नोटराइज किया है, क्या उस पर आप मुकदमा कर सकते हैं, फर्जीवाड़ा का मुकदमा कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप नोटरी वाले पे यानी कि वकील पे यदि आप कोई एलिगेशन लगाते हैं तो वो ये कह सकता है कि ये दोनों मेरे पास आया हुआ था और मुझे कहा कि एक समझौता पत्र तैयार कीजिए, तो मैंने एक समझौता पत्र तैयार कर दिया, तो वहाँ पर वो वकील जो है वो बच जाएंगे। वकील जो भी काम करते हैं वो खुद का बचाव को देखते हुए काम करते हैं, लेकिन कुछ वकील ऐसे भी हैं जो आपको प्रलोभन देके या जो भी तरीका से हो आप लोग को फंसा देंगे और नोटरी पेपर पे शादी करवा देंगे। तो नोटरी पेपर पे शादी आपने देख लिए कि मान्य बिल्कुल भी नहीं होता है।
यदि आप लोग एक दिन में शादी करना चाहते हैं तो एक दिन में आपका शादी भी होगा और आपको सर्टिफिकेट भी फ्री मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना होगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वीडियो आ जाएगा। अभी आपको शायद दिख रहा होगा, जैसे ये वीडियो नेक्स्ट खत्म होगा आपको यहाँ वीडियो आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से बता दिया है कि आप लोग एक ही दिन में शादी कैसे कर सकते हैं, कोई भी धर्म से क्यों हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप लोग का शादी एक दिन में होगा और वो भी लीगल तरीके से होगा और आप लोग को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो आ गया होगा, आप लोग क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।